एशिया कप का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस बार मेजबानी पाकिस्तान कर रहे हैं और साफ तौर पे यहाँ पे बीसीसीआई की मैं बात करूँ तो बीसीसीआई ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एनसीए में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस शुरू हो गई है, साथ ही साथ बीसीसीआई ने कुछ स्केड्यूल बनाए हैं यहाँ पे खिलाड़ियों को लेकर, ताकि उनकी फिटनेस पे कोई सवाल ना उठ सके और खिलाड़ी फिट रहे। क्योंकि देखिए आने वाले जो 2-2.5 महीने हैं ये खास तौर पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले जाने हैं। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप का यहां पे देखिए मैच होगा जो कि भारत में ही होगा और यहां पे साफ तौर पे देखिए बहुत ही कम दिन बच गए हैं एशिया कप के लिए, क्योंकि देखिए यहां पे 2 सितंबर को आगाज करेगी भारत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से और ये हाई वोल्टेज मैच आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका में। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि भारत ने यहां पे बीसीसीआई बोर्ड ने खिलाड़ियों को इसीलिए एक स्केड्यूल में बांध दिया है, उन्होंने कुछ चीजें अनिवार्य कर दी है। यहां पे देखिए उन्होंने सबसे पहले तो यहां पे अनिवार्य करी कि ये खिलाड़ी को 9 घंटे की नींद लेना काफी जरूरी है, साथ ही साथ उन्होंने स्विमिंग कर दी है कि खिलाड़ियों को स्विमिंग करना है, उसके बाद जिमिंग कर दी है कि जिम करके अपना कसरत भी करो, अपनी फिटनेस भी ध्यान दो, उसके बाद देखिए इन्होंने प्रोटीन डाइट भी शामिल कर दिया है कि खिलाड़ियों को प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेना है, क्योंकि एक खिलाड़ी जितना फिटनेस पे ध्यान देता है अपने डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक खबर देखिए इसी से रिलेटेड ये भी है कि यहां पे विराट कोहली, जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने योयो टेस्ट पास कर लिया है और इसकी पुष्टि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी और साथ साथ एक स्टोरी डाली, उनमें कहा कि भैया मैंने ये टेस्ट पूरी तरीके से पास कर लिया है। और यहां पे देखिए विराट कोहली की जब भी बात होती है तो एक फिटनेस आइकॉन के रूप में हमें दिखते ही हैं और अब क्रिकेट का लेजेंड आपको दिखेगा हाई वोल्टेज मैच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में छक्के छुड़ाते हुए पाकिस्तान के बॉलर्स का। साथ साथ आपको कैसा लगी ये खबर, आप क्या सोचते हैं कि बीसीसीआई ने जो स्केड्यूल बांधा है ये सही है या फिर बीसीसीआई और भी ज्यादा टफ स्केड्यूल बांध सकती थी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स।